हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बीपीएससी ने प्राइमरी का सिलेबस तो जारी कर दिया है, लेकिन जब भी बीपीएससी की तरफ से कोई भी नोटिस जारी किया जा रहा है उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगी जा रहा है। जो बीपीएससी का प्राइमरी का नोटिस जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन आ रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि क्या उनसे गलती हुई है, बाय मिस्टेक इस तरह का सिलेबस दिया गया है, या फिर इस तरह का सिलेबस अगर दिया गया तो क्यों दिया गया। बहुत सारी चीजें जो है दिमाग में चल रही है। बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि मैम ये गलती से हुआ है या यही पढ़ना है ये बता दीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में जो है हम सिलेबस के बारे में, प्राइमरी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें आखिर में क्या होना है, क्या चीजें हुई हैं और किस तरह से सिलेबस को बनाया गया है, इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आप लोग को बीपीएससी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो दी जाती है। सबसे पहली बात तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी नोटिस आए और उसमें क्वेश्चन ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सिलेबस जो दिया गया है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और एग्जाम क्योंकि एक ही दिन होने हैं तो ठीक है, ये आपने सोचा है बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। तीन पार्ट में जो एग्जामिनेशन का दिया गया है, अब ये यहां पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ऐसा ये जानबूझकर हुआ या गलती से हुआ, क्योंकि इन अगर हम पहले के सिलेबस देखें, देखो अभी का सिलेबस मैं आपको एक बार थोड़ा बता दूं और उसके बाद हम टीआरई वन जो हुआ था उसका सिलेबस में मैं आपको बताऊंगी। देखो अभी के सिलेबस में बताया गया है तीन चीजों को लिया गया है। भाग वन में जो कि क्वालिफिकेशन के लिए रहेगा, क्वालिफाई करने के लिए रहेगा, ये 30 नंबर का रहेगा। इसमें लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, आप इसमें से कोई भी जो है एक लैंग्वेज ले सकते हो और इंग्लिश, और आपको जो है इसमें पास होना है। ठीक, ये पहले वाले में भी था। ये चीजें समझ में आ रही है कि 30 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको पास होना है। दूसरा जो भाग टू बताया गया है ये भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। भाग टू में आपको जो है सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा, जीके से क्वेश्चन रहता है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मतलब टोटल जीके वाला टाइप का ये क्वेश्चन सेट रहेगा। ये रहा 40 नंबर का। ठीक, कंफ्यूजन जो हो रहा है ये पार्ट थ्री में हो रहा है। पार्ट थ्री में बोला जा रहा है कि फिर से लैंग्वेज का ही एग्जाम होगा और वो भी 80 नंबर का। पार्ट थ्री में एक बार समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक बार भाषा का आपने क्वालिफाइंग के लिए ले लिया तो फिर पार्ट थ्री जो कि मेन आपका है पेपर एक्चुअली में, तो उसमें भी सिर्फ भाषा से क्वेश्चन कैसे, उसमें भी आपका जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का है। तो ऐसा दिमाग में डाउट ये आ रहा है क्योंकि इस बार एक ही साथ पेपर लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि जिस तरह से 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 का पेपर बनाया गया उसमें भी वही डिवाइड किया गया था, लेकिन भाग थ्री में उसमें उन लोग के अपने सब्जेक्ट होते हैं। जैसे 6 to 8 में सोशल साइंस वाले बच्चे सोशल साइंस करते हैं, साइंस वाले बच्चे साइंस लेते हैं, मैथ्स वाले मैथ्स, तो ये उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। सेम चीज 9, 10, 11, 12 में, लेकिन प्राइमरी में तो सब्जेक्ट नहीं है, ऑल सब्जेक्ट वाला जो है सिस्टम चलता है, तो इसमें तो ये लोग सब्जेक्ट डाल नहीं सकते थे, क्या डाले, तो चलो भाषा ही उठा करके डाल दिया गया। ये थोड़ा सा अटपटा सिलेबस लग रहा है, लेकिन अगर यही सिलेबस रहने वाला है तो फिर आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा, पूरा इजी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज कि हम चलते हैं पुराना सिलेबस देख लेते हैं जो कि टीआरई वन में था। देखो टीआरई वन में जैसे आप लोग जानते हो कि दो पार्ट में एग्जाम हुआ था, है ना, 2 दिन का एग्जाम था, तो ये पत्र में पहला तो आप लोगों को क्वालिफाइंग के लिए दे दिया गया था। दूसरा जो था सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन था, जो आप लोगों का सामान्य अध्ययन का इस बार 40 नंबर सिर्फ बताया जा रहा है, उस पर पूरा 120 नंबर का क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन से था। तो अब इसीलिए लग रहा है कि हो सकता है कि वो गलती से हो गया है और अगर सुधार उसमें होना होगा तो 1 से 2 दिन में जो है एक अपडेटेड सिलेबस आपको दे दिया जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर आप लोगों का ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि सिलेबस काफी इजी फिर हो जाता है। फिर आप लोगों का जो है यहाँ पर भाग थ्री में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप लोगे, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से, और उसी में से जो है 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन जो है पूरा SCERT और NCERT के बेस पे रहने वाला है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा ट्रबल वाला नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन 120 नंबर का हुआ था तो बोल भी रहे थे बच्चे कि बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था, तो हो सकता है वो भी उसके लिए किया गया हो। तो ये चीजें आपको 1 से 2 दिन में क्लियर कर दी जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है।
जहां तक अगर बात करें तो लग रहा है कि सिलेबस को इस बार इजी रखा ही गया है, क्योंकि पिछली बार जो है ऐसा बताया गया था कि जो एग्जाम हुआ है उसमें काफी टफ क्वेश्चन सेट कर दिए गए थे। तो ये भी हो सकता है कि इस बार सिलेबस को इजी रखने के लिए ये चीजें अपनाई गई हैं, और एक ही दिन एग्जाम लेना है उसके लिए भी अपनाई गई है। तो यही चीजें अभी है, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, और हम भी वेट कर रहे हैं कि इस पे क्लेरिफिकेशन आए, या तो अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आ जाएगा या फिर नया जो है आपको सिलेबस अपडेट करके दे दिया जाएगा। जो भी चीजें होंगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।